हेलो गाइस, आज का वीडियो काफ़ी ख़ास होने वाला है उन दोस्तों के लिए जो नए आईसेक्ट ओपन किए हुए हैं और उनको फर्स्ट टाइम जो है डीसीए पीजीडीसीए या बीए बीएससी एमएससी किसी भी तरह की जो है फॉर्म फिलअप करने नहीं आता है। तो उनको जो है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको पूरा फॉर्म को फिलअप करने की प्रक्रिया आपको बताया जाएगा दोस्तों। और कहीं आपको डॉक्यूमेंट की साइज़ को रिसाइज़ करने नहीं आता है तो उस वीडियो का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप जो है चेक कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको ऑफलाइन फॉर्म का जो है आपके पास पीडीएफ नहीं है और उसको किस तरीके से फिलअप किया जाता है तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको अपना आईसेक्ट की यूज़र आईडी पासवर्ड को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्टूडेंट करके दिया हुआ है, फिर यहाँ पर एडमिशन में आपको क्लिक कर लेना है। अभी जो है अचानक से यूनिवर्सिटी जो है बच्चों का रजिस्ट्रेशन ले रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपको सेलेक्ट सेंटर टाइप में आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है एजुकेशन सर्विस, फिर यहाँ पे आपको जो है सी वी रमन यूनिवर्सिटी आपको सर्च कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको सबमिट में क्लिक कर लेना है। अगर चाहें तो ये कोड को भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस जो है आपका खुलकर आ जाता है दोस्तों, जिसमें आपको अपनी सभी डिटेल्स को फिलअप करना होता है। चलिए एक बार मैं सभी डिटेल्स को किस तरीके से आपको फिलअप करना होता है ये यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको तो सबसे पहले आपकी जो सीज़न है उसको आपको टाइप कर लेना है। मेरा जो है जुलाई 2023-24 का है, तो मैं यहाँ पे देखिए 2023-24, अगर आप जनवरी के लिए कर रहे हैं तो आप जनवरी कर लेंगे, तो मैं जो है जुलाई 23-24 के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको एकेडमी का नाम यहाँ पे, जैसे कि प्राइवेट है तो यहाँ पे प्राइवेट, फिर यहाँ से आपको टैब करके डीसीए का चयन कर लेना है। यहाँ से फिर टैब कर लेना दोस्तों, यहाँ मैं आगे जो है प्रोसेस को फिलअप नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से आपकी जो कोर्स ईयर, यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम है तो हिंदी आपको चयन कर लेना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, चूज़ फाइल में आपको क्लिक कर लेना है। फिर जो जिस लोकेशन में आपकी जो फ़ोटो रखा हुआ है, उस लोकेशन में आपको चले जाना है और यहाँ पे डबल क्लिक करना है। आपकी जो फोटो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जो है फोटो अपलोड हो गया है। अपलोड होने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो फीस डिटेल है वो कम्प्लीटली आ जाएगा दोस्तों, तो मैं यहाँ पे फीस जो है रिवील नहीं कर रहा हूँ। चलिए, फीस जो फोटो की साइज़ अगर आपको बनाने नहीं आता या किसी भी डॉक्यूमेंट्स के, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम जो है यहाँ पे आपको एक बार तो मैं सभी डिटेल्स को जो है साथ ही साथ आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे जो छात्र का नाम है वो आपको 10वीं के सर्टिफिकेट के आधार पे ही फिलअप करना है दोस्तों, ना ही 12वीं और ना ही आधार कार्ड के आधार पे। ठीक है दोस्तों, तो आपको 10वीं की जो सर्टिफिकेट है वो निकाल लेना है और यहाँ से आपको टाइप कर लेना है जैसा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट डालिए, लास्ट है तो लास्ट, नेक्स्ट जो है इनका फादर का नाम जो है, तो इस तरीके से यहाँ पे फादर का नाम, यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको मदर का नाम, यहाँ पे जो है आपको डेट ऑफ बर्थ, तो सबसे पहले तो आपको मंथ लिखना होगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे 8/30 फिर 2004, इस तरीके से आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। पहले आपको यहाँ पे मंथ को लिखना होगा, फिर डेट को लिखना है, फिर ईयर को। यहाँ पे जो ईमेल आईडी बच्चा का दिया हुआ है उस ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप कर लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको बच्चे का जो है कॉन्टेक्ट नंबर आपको फिलअप कर लेना है, फिर यहाँ पे आपको फैक्स नंबर को रहने देना है, यहाँ पे बच्चे का जो एड्रेस है वो फिलअप कर लेना है। सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पे विलेज जो है टाइप कर लेना है, फिर यहाँ पे आपको पोस्ट टाइप कर लेना है दोस्तों इस तरीके से, फिर यहाँ पे सिटी का नाम, यहाँ पे आपको पिन कोड जो है आपको दर्ज कर लेना है, फिर यहाँ पे आपको जो है स्टेट का चयन कर लेना है। यहाँ पे टेलीफोन नंबर में स्टार नहीं लगा हुआ है तो इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको ज़िला चयन कर लेना है और यहाँ पे जो है टिक मार्क में आपको क्लिक कर लेना है इस तरीके से, तो सभी डिटेल्स जो है फिलअप होकर आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो है आपको जेंडर का चयन कर लेना है, यहाँ से आपको मैरिटल स्टेटस चयन कर लेना है और यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है वो चयन कर लेना है। यहाँ पे आपको लाइसेंस टाइप को आपको छोड़ देना है, फिर जो आधार नंबर दिया हुआ है उसको आपको दर्ज कर लेना है। तो मैंने देखिए दोस्तों, यहाँ पे आधार नंबर दर्ज कर लिया। दर्ज करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे एकेडमी पासिंग ईयर, तो देखिए एजुकेशन ये सी नंबर जो दिया हुआ है, एजुकेशनल एकेडमी क्वालिफिकेशन, तो ये जो है 12th पास है, तो हायर सेकेंडरी स्कूल आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। अगर आप पी जी डी सी ए के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट में आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल कर लेता हूँ। इनका जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि आर्ट होता है या बायोलॉजी होता है, तो बायोलॉजी है तो बायो लिख लेना है,
यहाँ पे, और इनकी जो पासिंग ईयर है पे दर्ज कर लेना है, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट जो है ये प्रथम आया है कि सेकंड आया है उसकी डिवीज़न वो टाइप कर लेना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों इनका जो परसेंट है वो आपको फिलअप कर लेना है, और यहाँ पे इनका बोर्ड का नाम आपको टाइप कर लेना है। जैसे मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख टाइप कर देता हूँ CGBSE, इस तरीके से। यहाँ पे मीडियम इनका हिंदी था दोस्तों। इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, सभी डिटेल्स को फिलअप कर लेना है। चलिए दोस्तों एक बार मैं आपको और बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए आपको फादर नेम फिलअप करना है, जैसा टेंथ के सर्टिफिकेट में दिया हुआ है दोस्तों वैसे ही आपको सभी डिटेल्स को फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों फर्स्ट नेम में जो है बच्चा का फर्स्ट नेम आपको टाइप कर लेना है, अगर सेकंड नेम दिया हुआ है तो सेकंड नेम टाइप कर लेना है। यहाँ पे उनका जो फादर का नेम या हस्बैंड का नेम है वो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। यहाँ पे उनकी जो मदर नेम है वो टाइप कर लेना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ टाइप कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ में पहले आपका जो है मंथ रहेगा दोस्तों, फिर आपका डेट रहेगा, फिर आपको ईयर को टाइप करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी टाइप कर लेना है, यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर दर्ज कर लेना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों परमानेंट एड्रेस जो दिया हुआ है, यहाँ पे पहले तो विलेज फिर आपको पोस्ट लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सिटी में आप जो है तहसील को डाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे फिर आपको पिन कोड दर्ज कर लेना है, यहाँ से आपको छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़, और जिस जिले से हैं उस जिले का चयन कर लेना है। यहाँ पे जो है आप इसमें टिक मार्क लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है फिलअप होकर आ जाता है। यहाँ पे देखिए जेंडर जो भी है, अगर फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल। यहाँ पे देखिए मैरिटल स्टेटस, अगर शादी हो गया है तो मैरिड डाल देंगे, नहीं हुआ है तो अनमेरिड। यहाँ पे देखिए इनकी जो कैटेगरी दिया हुआ है ST SC OBC, तो आपको जो कैटेगरी है वो चयन कर लेना है। लाइसेंस टाइप को आपको छोड़ देना है दोस्तों। नेक्स्ट जो दिया हुआ है आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे उनके आधार कार्ड नंबर को फिलअप कर लेना है। नेक्स्ट देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन दिया हुआ है दोस्तों, तो ये DC के लिए फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो ये जो है 12वीं पास है, तो इसलिए हायर सेकेंडरी स्कूल करके मैंने यहाँ पे फिलअप कर लिया है। यहाँ पे देखिए मेन सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये जो है बायोलॉजी लेकर जो है 12वीं को पढ़ी है। यहाँ पे इनकी पासिंग ईयर जो है 2022 है दोस्तों, और ये फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइप कर लिया। यहाँ पे देखिए इनका जो टोटल परसेंट आया है 67 आया है दोस्तों। यहाँ पे इनका मीडियम जो है हिंदी है, और बोर्ड की नाम की बात करें तो ये CGBSE है। जैसे ही हम नीचे की ओर आएंगे यहाँ पे देखते हैं दोस्तों बिलोंग्स करके दिया हुआ है, तो अगर आप कहीं शहरी एरिया से हैं तो अर्बन कर सकते हैं, अगर ग्रामीण एरिया से हैं तो रूरल कर सकते हैं, और कहीं आपका एक छोटा सा गांव कस्बा है तो आप जो है ट्रिबल कर सकते हैं। तो मैं ये जो है ग्रामीण एरिया से है तो मैं रूरल कर लेता हूँ। यहाँ पे इनकी जो नेशनैलिटी है इंडियन है। इनका जो ईयरली इनकम है दोस्तों 50,000 रुपये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको सभी डिटेल्स को फिलअप कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे दोस्तों, कभी कभी क्या होता है सर्वर का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर जो आप जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह PDF में रिसाइज किए हुए हैं तो वो 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो है अपलोड नहीं होता है। तो आपको जो है अगर डॉक्यूमेंट्स की रिसाइज करने नहीं आता है, और जो ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करने नहीं आता है, या उसका जो PDF आपके पास नहीं है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों आपको एड मोर डॉक्यूमेंट्स में आपको क्लिक कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे फर्स्ट में मैं जो है 10th की सर्टिफिकेट अटैच कर रहा हूँ, और सेकंड में जो है 12th की, थर्ड में यहाँ पे आधार कार्ड का। तो यहाँ पे आपको चूज फाइल में क्लिक कर लेना है, और यहाँ से जो है मैं इनका 10th की सर्टिफिकेट यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों इनकी जो 12th की सर्टिफिकेट है, और यहाँ पे आपको आधार कार्ड को जो है चूज़ कर लेना है। तो देखिए दोस्तों सब जो है काफ़ी कम KB की है। अब यहाँ पे आपको जो है सबमिट में क्लिक कर लेना है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है इस चैनल को। तो यहाँ पे हम सबमिट में क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम सबमिट में क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ टॉपिक्स जो है खुलकर फिर से आ जाता है। यहाँ पे देखिए अपलोड सक्सेसफुली में आपको ओके क्लिक कर लेना है। ओके क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे IT स्किल करके दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो एनिमेशन में टिक कर सकते हैं, DTP में, और यहाँ पे मैं ऑफिस में, प्रोग्रामिंग में, या फिर टैली में, या टाइपिंग में, या वेब डिज़ाइनिंग में, ये सभी में आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है सभी यहाँ पे सिखाया जाता है। तो चलिए अब हम जो है यहाँ पे किसी में मैं टिक नहीं कर रहा हूँ, नीचे की ओर जो है देखिए गो टू समरी में क्लिक कर लेना है। गो टू समरी में जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे इनकी जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली जो है फिलअप होकर आ जाता है, ठीक है दोस्तों, सक्सेसफुली फिलअप होकर आ जाता है। और यहाँ पे देखिए अगर आपको इसकी प्रिंट चाहिए तो आप यहाँ पे प्रिंट में क्लिक कर लेना,
अगर प्रिंट नहीं चाहिए तो आप जो है एड न्यू स्टूडेंट में आपको क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों इसका जो है आपको पेमेंट करना है, तो आप किस तरीके से पेमेंट करेंगे मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो यहाँ से चलिए आपको स्टूडेंट में आ जाना है। स्टूडेंट में आने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे बल्क फीस पेमेंट करके दिया हुआ है, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको आई एग्री में क्लिक कर लेना है। आई एग्री में यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए दोस्तों आपके वॉलेट में जो है यहाँ पे पैसा होना चाहिए, और यहाँ पे आपको टिक मार्क जो है लगा लेना है। टिक मार्क लगाने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है आपके फीस पेमेंट का ऑप्शन जो है आ जाता है। फीस पेमेंट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे ही ट्रांजेक्शन पासवर्ड आप डालेंगे, आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो जाता है। अगर आपको जो है वॉलेट में पैसे लोड करने नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है दोस्तों, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हम 100% करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहें।